नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ संख्या 4। पाठ का नाम है स्नेह शब्द। क्या नाम है बच्चों? स्नेह शब्द, अर्थात स्नेह का मतलब प्रेम और शपथ का मतलब प्रतिज्ञा, कि प्रेम रूपी प्रतिज्ञा लेना, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार न करना, हमेशा मृदु वचनों व स्नेहपूर्ण व्यवहार के द्वारा ही अपने रिश्तों को प्रेम रूपी धागे में बांधता। हाँ जी बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि भवानी प्रसाद जी मिश्र ने स्नेह और प्रेम का महत्व तथा उसकी शक्ति का प्रभाव समझाया है। चाहे वो कहते हैं कि कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो धनी हो, चाहे निर्धन, चाहे परिचित, चाहे अपरिचित, हमें भूल कर भी कभी किसी को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। भेदभाव और कड़वाहट से भरे रिश्तों को भी प्रेमपूर्वक, स्नेहपूर्वक व्यवहार तथा मृदु वचनों के द्वारा प्रेम के रिश्तों में बदला जा सकता है। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि स्नेह की शक्ति क्या है? बहुत अपार है। वे गिरे हुए व्यक्ति को भी क्या करती है? संभाल सकती है, सही राह दिखा सकती है। प्रेम तथा स्नेह द्वारा हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। चाहे राह कितनी भी कठिन हो, अगर हम प्रेम पूर्वक उस राह पर चलेंगे, प्रेम पूर्वक हम दूसरों को समझाएंगे, तो यह रास्ता हमारे लिए सरल हो जाएगा और हर एक समस्या का समाधान हम प्रेम के माध्यम से कर सकते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? आओ जाने, हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचयविहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उड़ने की तेरी जीवा से होने भूल। कि हे मित्र, चाहे कवि कहना चाहते हैं कि हे मित्र, हमें अपनी जीवा से कभी सख्त बात नहीं कहनी चाहिए, चाहे कोई हमारा मित्र हो या चाहे कोई हमारा शत्रु, चाहे वह बड़ा हो चाहे छोटा, चाहे वो परिचित हो अन्यथा अपरिचित अनजान, यदि किसी कारणवश उसके यश पर आँच आ जाए तो हमें भूल कर भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अर्थात कवि कह रहे हैं कि हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगली पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? आओ जाने, मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके सो गवा, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर काने देकर देखो, थोड़ा सा तो देकर देखो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि यदि कोई जीवन की ऊंचाइयों से फिसल गया है या गलत रास्ते पर चला गया है, तो हमें कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि अरे वह तो ऐसा ही था, या हम कहते हैं कि सो गवाह है, वह व्यक्ति तो ऐसा ही था। ऐसे में हमें सख्त बात से नहीं बल्कि स्नेहपूर्वक भाव से, स्नेहपूर्वक व्यवहार से काम लेना चाहिए। कवि कहते हैं कि आप अपने अंदर के स्नेह को उसे देकर तो देखो, अर्थात अपने स्नेह के द्वारा आप उसे सही रास्ते पर, सही मार्ग पर ला सकते हैं। और अगली पंक्तियों में कवि का क्या कहना है? आओ जाने, कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है, जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पता नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है कि कवि कहते हैं कि चाहे जितनी भी गहराइयां हो, प्यार सब जगह पहुंच ही जाता है, अर्थात हृदय में कितना भी गहरा घाव क्यों न हो, गहरा गड्ढा क्यों न हो, उसे प्यार से भरा जा सकता है। चाहे जमाना कितना भी भ्रष्ट हो, प्यार हर समय व्यक्ति को अच्छा लगता है। कवि इसमें कहते हैं कि जो पतन की राह में है, अर्थात जो गलत रास्ते पर चले गए हैं, जो गिर गए हैं, उन्हें उठाना सबसे प्यारा काम है, उन्हें सही मार्ग दिखाना सबसे प्यारा काम है। पतन इतना गहरा नहीं होता कि व्यक्ति के प्यार से उसे उठाया ना जा सके। वो कहते हैं कि पतन इतना गहरा नहीं होता, अर्थात व्यक्ति ऐसा कोई नहीं व्यक्ति कि उसे सही रास्ते पर नहीं लाया जा सके। एक प्यार ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति को सही रास्ते पर ले जाया जा सकता है। अगली पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? आओ जाने,
देखे से प्यार भरी आंखें, दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक धृष्टता के कपोल आंसू के गीले होते हैं। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का ने भला तुम देकर उसको तो थोड़ा देखो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि प्यार भरी आंखों से देखने पर तो दुस्साहसी भी शर्मिंदा हो जाता है। कोई कितनी भी धृष्टता करे, कोई कितना भी आपके साथ गलत व्यवहार करे, प्यार का एहसास मिलते ही उसकी आंखों में आंसुओं से उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, गिल्ली हो सकती हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि सख्ती से नहीं बल्कि प्यार से काम लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर के स्नेह को दूसरों पर उड़ेल कर तो देखो। कवि कहते हैं ताकि अगर हम उसके साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे, प्रेम का भाव उसके साथ मतलब स्पष्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर भी स्नेह का भाव पैदा हो जाएगा। कवि कहते हैं कि अपने अंदर के स्नेह को दूसरों पर उडेल कर तो देखो। अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं, आओ जाने है शपथ तुम्हें करुणा कर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस भीख मंगे की, बस सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का ने उसको अपने अंतर का ने उसको तो देकर तुम देखो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, आओ जाने। कवि कहते हैं, कवि करुणा कर की शब्द देते हुए कहते हैं कि तुम्हें उस गरीब की शब्द है जो प्यार की भीख मांग मांग कर मर गया, बस सख्त बात न कहकर प्यार से काम लेकर देखो। कवि कहते हैं कि तुम प्यार से बात करके देखो, प्यार से काम लेकर देखो। कवि का कहना है कि हम अपने कार्यों को प्यार से कर जल्दी करवा सकते हैं, कि अगर हम प्यार से किसी काम को करवाना चाहते हैं ना, अगर हम उसे प्यार से कहेंगे तो वो उस काम को बड़ी जल्दी कर देगा, जबकि सख्त बात से व्यक्ति का हृदय व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है और व्यक्तियों के बीच नफरत की दीवारें खड़ी हो जाती है। अगर हमने कोई काम करवाना है तो प्रेम के माध्यम से हम उस काम को बहुत जल्दी करवा सकते हैं, और वही अगर हम उसे सख्त बात कहकर दुखी करके अगर उस काम को करवाएंगे तो वह व्यक्ति भी दुखी हो जाएगा और उसके बीच में आपके प्रति नफरत भी पैदा हो जाएगी। इसके इस कविता के जो कवि हैं भवानी प्रसाद जी मिश्र, वो हमेशा हर एक व्यक्ति को स्नेह की प्रतिज्ञा लेने की शपथ देते हैं, स्नेह की शपथ लेने की प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर आप स्नेह रूपी शपथ ले लोगे तो आज संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। धन्यवाद बच्चों।